खान और कटरीना कैफ की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म एक था टाइगर की रिलीज डेट फाइनलाइज हो गई है। ये फिल्म 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे पर थिएटर्स में उतारी जाएगी और इस फिल्म का न्यू ट्रेलर बहुत जल्द ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु को हॉरर फिल्म राज से बॉलीवुड में शोहरत मिली और अब बिप्स ने एक और हॉरर फिल्म साइन कर ली है जिसका टाइटल है आत्मा और इस फिल्म को लेकर वो काफी एक्साइटेड है। खबर मिली है कि रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बर्फी के प्रोड्यूसर्स फिल्म के सीरियस कंटेंट से इतने खुश नहीं एंड दे आर इंसिस्टिंग ऑन लाइटनिंग द मूड ऑफ द फिल्म। इसीलिए अब इस फिल्म में रणबीर और प्रियंका के कुछ लाइट हार्टेड सीन्स इंक्लूड किए जाएंगे। सलमान खान से जब भी कोई उनके शादी के प्लान्स के बारे में पूछता है तो उन्हें सलमान के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इस बार कटरीना कैफ ने ये सवाल सलमान से पूछा है मगर रियल लाइफ में नहीं बल्कि उनकी फिल्म एक था टाइगर में। कहा जा रहा है कि फिल्म के न्यू ट्रेलर में एक सीन इंक्लूड किया गया है जहाँ कैट्स सलमान को शादी करने की एडवाइस दे रही है। भले ही विद्या बालन उनकी अपकमिंग फिल्म घनचक्कर में सिंपल हाउसवाइफ का किरदार निभा रही हो मगर इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें उन्हें सल्ट्री अवतार में दिखना है और इसीलिए वो बहुत जल्द अब्रॉड जाएंगी टू मीट सम मेकअप आर्टिस्ट फॉर अ स्पेशल लुक टेस्ट।